अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। असा जो चैप्टर नंबर 7 मां लेक्चर नंबर 7 आ लास्ट सा टॉप लेक्चर में पढ़ियो से वोलेटिक सेल बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज असा पढ़ंदा बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उन्हें भी हाइड्रोजन के मथा जिंक हेठा कॉपर इन मथा सभी हूँ एनोड हेठा सब हूँ कैथोड। कैथोड वट रिएक्शन कड़ो रिडक्शन एनोड वट रिएक्शन कड़ो ऑक्सीडेशन। एनोड की चार्ज होंगी वोलेटिक सेल में माइनस, कैथोड होंगी प्लस। ऐसो हाँ कॉपर जो कैथोड रिडक्शन हाइड्रोजन उन्हें कंपेयर में एनोड। लास्ट पीरियड में बुधायो तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड कैथोड हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड आदा हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन ऑब्लिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन अक्यूअस। अच्छा हिंदी दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आईओ इज एक्ट कर एनोड। अड़ी तरह कॉपर आ कॉपर ऑब्लिक कॉपर दिस इज अक्यूअस कॉपर आ सॉलिड आ दिस इज कैथोड। वोलेटिक सेल में कैथोड चाहता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हों। दिस इज द वोलेटिक आर गैल्वेनिक सेल केसीएल जेली जेकी आ वा बिनी जे विच में ब्रिज आ। इने जा ब कम आइन एकड़ो कम केड़ो आए सॉल्यूशन के मिक्सिंग थण का बचाए प्रिवेंट करे सर्किट कंप्लीट करें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस क्या इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन का कॉपर इलेक्ट्रोड इतने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आए वो रीडिंग बुधाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉपर की रीडिंग बुधाई है कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर ई नॉट रिडक्शन आईने जो वैल्यू आ प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जेके हाइड्रोजन जे हेठा कॉपर आ उन जो वैल्यू को उते 0.34 आ प्लस में आ हिते भी प्लस में आ छो त हियर सीरीज जेकी आ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ते ठहल आए आहेते रिडक्शन ही किया कॉपर जी उने दी करे वैल्यू सेम थी दो पर जे कर ऑक्सीडेशन लिखा से तो पो प्लस जाए दे छादी दो माइनस हाइड्रोजन जो सागो थी दो केड़ो जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा आने इन दमी जी पॉइंट वन के लिए वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे हाइड्रोजन का कॉपर इलेक्ट्रोड दे केड़े रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन में आने हिने जो पॉइंट हुआ है ने इनने वोलेटिक के सेल ऑफ सेल बिटवीन कॉपर एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इज ए नेगेटिव एनोड एंड कॉपर इज ए पॉजिटिव कैथोड। ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन किदा थिया ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर इन ए रिवर्स डायरेक्शन
रिवर्स डायरेक्शन में ही, रिवर्स डायरेक्शन जो ये हुआ ए वाई वोलेटिक सेल बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड मेन गैलियम केसीएल जेली केड़ो कमी दिया केसीएल जेली इज ए साल्ट ब्रिज बिटवीन ए बोथ इलेक्ट्रोड एंड प्रिवेंट ए मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के मिलन का बचाए थी एंड कनेक्ट बोथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है बोथ इलेक्ट्रोड से एमिनी इलेक्ट्रोड के बारे में मिलाई थी एंड कनेक्टेड बोथ इलेक्ट्रोड एमिनी इलेक्ट्रोड के बारे में मिक्सअप कर दिया मिलाई दिया है सॉरी कनेक्ट कर दिया है। अच्छा हाँ एक्चुअली तक मुझी पव रिवर्स ए फॉरवर्ड डायरेक्शन किथे लिखवाने हाँ प्रॉपर है वोलेटिक सेल के लिखवा बिन लाइन सा ही बा लाइनों आन वोलेटिक सेल के दरमियान हेटा हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन जैसे हिन्ह डायरेक्शन में हुए माना हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक आयंस एक्वस सॉल्यूशन में माना हिते जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आ जे प्लस आ माना इलेक्ट्रॉन लॉस के माना जे हाइड्रोजन लॉस कर इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एनोड होंदो आ ए कॉपर है कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर प्लस टू मार जीरो आ माना इन इलेक्ट्रॉन गेन कया है कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कया है बिनी के दरमियान ही डबल लाइनों वर्टिकल पैरेलल जाहिर थी कहन तो यो वोलेटिक सेल आ हाँ जैसे एनोड निगेटिव थी तो असा इन लाइन के मसा ही एरो दींदा यो एरो डायरेक्शन की जाहिर कंदो आ माना केड़ो रिवर्स केड़ो रिएक्शन आ रिवर्स आ ही एरो रिवर्स रिएक्शन ही तो जाहिर करे माना जैसे हाइड्रोजन एनोड थी वो तो इन बिन्हीं लाइन के मथा ही जो एरो होंगे दैट इज ए रिवर्स डायरेक्शन पर जेकर जिंक के ऑब्लिक जिंक प्लस टू जो गया पढ़िया से डबल लाइनों हाइड्रोजन आयंस ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ही जिंक के सॉलिडा ए जिंक आयन अक्यूअस ने हाइड्रोजन अक्यूअस आयंस अक्यूअस होंदा हाइड्रोजन गैस आ जदे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन हिडाल को तो यो छो कैथोड होंदो हाइड्रोजन बिकम कैथोड ए पहला छा लिखबो आ एनोड लिखबो आ वोलेटिक सेल की निशानी आ तो पहला एनोड को कैथोड तो हाइड्रोजन जी को आने कैथोड थियो तो डायरेक्शन केड़ो दिंदुम फॉरवर्ड डायरेक्शन ये लिखबो आ बिनी लाइन के मथा फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जेकर हाइड्रोजन एनोड थी वने तो बिनी लाइन के मथा रिवर्स डायरेक्शन सो हाँ अचो कुछ पॉइंटू आए जी असा लिखूं था उन डिफरेंट सवाल था क्यों इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में मेटल्स अबव हाइड्रोजन अबव हाइड्रोजन आर एनोड आर एनोड एनोड्स होंदा निगेटिव एनोड एंड गिव वे ऑक्सीडेशन आयोनन की ऑक्सीडेशन थींदी मेटल्स बिलो हाइड्रोजन आर कैथोड है बिलो हाइड्रोजन कैथोड आयन है एंड गिव ए
रिडक्शन, आयन की रिडक्शन थी नी. मेटल से अबव हाइड्रोजन हैविंग ए निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होंगे. मेटल्स से बिलो हाइड्रोजन जी हाइड्रोजन के हेठा होंगे हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन थी भी नहीं भी. फ्रॉम टॉप टू बॉटम मथा का हेठे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज इंक्रीज थी दिया मथा गाइट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज थी दिया. अबोव हाइड्रोजन आर ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड बिलो हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइजिंग ए एजेंट. हाइड्रोजन इज एनोड गिव ए रिवर्स डायरेक्शन. हाइड्रोजन इज ए कैथोड गिव ए फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये पॉइंट आए जी तीन में रखनी होने ये लिखल भी पेज नंबर 207 से ये याद कद. हाँ जो डिफरेंट सवाल हैं टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज थी. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज टॉप टू बॉटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन माना एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज है. ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है इंक्रीज है मना गेनिंग इलेक्ट्रॉन. अच्छा हाँ क्यों इन्हें बार डिफरेंट सवाल था ऐसा इफ ए ई डॉट ए सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर बराबर 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ई डॉट हाइड्रोजन
आप लिखे हाइड्रोजन बराबर 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन अ सेल, हाँ इनमें बस सवाल है ने प्राइम सवाल विच वन इज ए एनोड एंड कैथोड। बियो सवाल है फाइंड द सेल रिएक्शन, फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इन आर्ट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कयो। इन आर्ट सेल माना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कयो। अच्छा हाँ इनकी हल कि क्यों एनोड कैथोड केड़ो है, सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर जो वैल्यू है 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई रिडक्शन इन्हें, हाइड्रोजन जीरो रिड्यूस थो प्लस जीरो रिड्यूस थो। आणि असा मी या प्रपंगी आहे वैल्यूज ते, जै जो वैल्यू लो हुंदो एस आर पी, जैन जो लो हुंदो एस आर पी चा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जैन जो लो हुंदो ता वो चाह थी विंदो एनोड है, वो थी विंदो एनोड है। एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जैन जो हाई हुंदो वो चांदो कैथोड है, वो दो कैथोड है। तब बताया मैं नमी ता कैथोड केड़वा एनोड केड़वा, ही प्लस सिल्वर जो वैल्यू प्लस मिया ए जीरो वा मनाई आपको इस वधी क्या सिल्वर वधी क्या मना सिल्वर इज ए कैथोड है, सिल्वर इज कैथोड है। आई हाइड्रोजन एनोड एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैन जो लो हुंदो वो एनोड आ जैन जो हाई हुंदो वो कैथोड आ, त सिल्वर जो वधी के आ दैट इज कैथोड है, हाइड्रोजन घट आ दैट इज एनोड। हाँ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल सेल जो छा थींदो, फार्मूलो अप्लाई कंदासीं ई नॉट सेल बराबर हूंदो आ ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ता ई नॉट सेल ने जो थींदो ई नॉट रिडक्शन जो वैल्यू कहिजो आ, रिडक्शन माना कैथोड है, रिडक्शन माना कैथोड, ऑक्सीडेशन माना एनोड है। रिडक्शन माना कैथोड, कैथोड माना सिल्वर, सिल्वर जो वैल्यू आ 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस एनोड माना हाइड्रोजन ऑक्साइड 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ता ई नॉट सेल छा थी वियो बुधायो 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जवाब वरी बी आए बियो सवाल आए फॉर द गिवन सेल, फॉर द गिवन सेल ए जी ऑब्लिक ए जी प्लस है,
ये डबल लाइन हो जे केन सेल है दियो जाहिर थी को आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल आर डबल लाइन हो सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ए जी ई नॉट बराबर एक से कॉपर सी यू प्लस टू सी यू प्लस टू प्लस बाय इलेक्ट्रॉन बताई सी यू ताकि दिनल ई नॉट बराबर वाई सवाल आई सजो हिते ए जी प्लस इन जी कर लिखो आ तो सेल रिएक्शन में एकड़ो ऑक्सीडेशन होंगे एकड़ो रिडक्शन होंगे आ ए जी प्लस एकड़ो इलेक्ट्रॉन होता है सी यू प्लस टू बाय इलेक्ट्रॉन होता है ए जी ई बराबर एक्स जा ई नॉट बराबर वाई जी जा वाट इज इन ई नॉट ऑफ सेल वाट इज ई नॉट ऑफ सेल ही ए जी प्लस आ ए जी प्लस आ ए जी प्लस इलेक्ट्रॉन ए जी प्लस आ व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल ऑप्शन ए आए एक्स माइनस वाई ऑप्शन बी आ एक्स प्लस वाई ऑप्शन सी आ वाई माइनस एक्स ऑप्शन डी आ वाई माइनस टू एक्स बुधायो कहो जवाब थी दो? गिवन सेल ए जी प्लस ऑक्सीडेशन सी यू प्लस ऑब्लिक सी यू ए जी प्लस इलेक्ट्रॉन एडा लूज के एक इलेक्ट्रॉन ई प्लस एक्स सी यू प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन होता है सी यू सिल्वर जो है ऑक्सीडेशन थी नॉट ऑक्सीडेशन बराबर एक्स कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन क्या है ई नॉट वाई व्हाट इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बताया तो जवाब छा दींदो हिकड़ो ऑक्सीडेशन आ बियो रिडक्शन आ तो फार्मूलो अप्लाई करना जेजा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन इो फार्मूलो आए अचो हाँ ई नॉट सेल आए ई नॉट सेल ई नॉट रिडक्शन पहला लिखो इत ई नॉट रिडक्शन कड़ो आए रिडक्शन थी कॉपर की माना वाई के बराबर इतने अगिया ब इलेक्ट्रॉन है टू आन लिखबो इलेक्ट्रॉन जितना भी लॉस थे या इतने एकड़ो लॉस थी वाई के बगेन थे इन जो को भी फर्क न इंदो आ इन के टू एक्स कहो या वाई टू कहो टू वाई कहो वगैरह इलेक्ट्रॉन जितना भी लॉस या गेन थे उन को मतलब ना है दिसो आ तो वाई छा है वाई रिडक्शन आ केतो डा ई नॉट वाई दी क्या रिडक्शन आ तो रिडक्शन पहला लिख दी यानी वाई माइनस सिल्वर ऑक्सीडाइज से हुआ माना एक्स के को ऑक्सीडेशन आ वाई माइनस एक्स तो केड़ो सी जवाब इनो सी सी इज करेक्ट अच्छा हाँ इन्हें का पोड़ एक रोपियो न्यू सवाल आ द एस आर पी एस आर पी मना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल से
ए बी सी इसे -3.0 0.5 -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ थ्री मेटल्स द रिड्यूसिंग पावर ऑफ थ्री मेटल्स से इज ए ऑप्शन ए हर ए बी सी के ऑप्शन ए ए सी बी ऑप्शन बी बी सी ए ऑप्शन सी सी बी ए ऑप्शन डी कोड है उदाहरण कहो जवाब रिड्यूसिंग पावर माना बे के रिड्यूस कर पान आंसी डायसी वन रिड्यूसिंग पावर माना बे के रिड्यूस कर पान छाटन ऑक्सीडेशन सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन थी एस आर पी लो हों एस आर पी लो रिड्यूसिंग पावर एस आर पी लो हो शुरू कहीं ए जो -3 ए जो -3 0.0 एंड बी जवा +0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी जवा -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ उदाहरण में वैल्यू कें जो लिखो पाया ऑक्सीडेशन में जो वैल्यू माइनस में वो हों ए जो वो माना ही नंडे में नंडो सेल्फ ऑक्सीडेशन थी नंडे में नंडो वैल्यू हों माना ए देखो सभी का लेसर आ ए लेस आ वरी सी जो -1.6 वो आयो आ माना सी ए सिमाल सी खाया सभी में वो केड़ा बी जो आ बी ए सी बी केड़ो ऑप्शन आ ए जवाब सही आ रिड्यूसिंग पावर के बाद जो पाना ऑक्सीडेशन करे आई जो ऑक्सीडेशन कर वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हों उन वैल्यू सभी का लोवेस्ट हों लोवेस्ट जे सभी का घट कहो आए ए जो आए माना सभी में स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ए आ में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहो थी वो बी जो वैल्यू प्लस नहीं आ रिड्यूसिंग पावर तो पुजे रिड्यूसिंग पावर ऑफ थ्री मेटल रिड्यूसिंग पावर माना माइनस वैल्यू जो घट हों उतना शुरुआत कहे सभी में लोवेस्ट रिड्यूसिंग पावर आ ए जो सी जो को बी जो ऑप्शन ए
smaller than C, C smaller than B. That is correct option. अच्छा बाबा हमारे जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी था आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या ऑक्सीडेशन नंबर हेलो यू काफी थी यो नेक्स्ट लेक्चर में रियो दिस हम द अल्लाह हाफिज़।